सीमांचल से तेजस्वी प्रसाद यादव ने यात्रा की शुरुआत की और कटिहार में आज का जो प्रोग्राम है वो अंत हो रहा है। लेकिन भीड़ देखिए कि सिर्फ सर और सर नजर आ रहा है। एक नेता को देखने के लिए पहली बार ऐसी दीवानगी नजर आ रही है, और वो भी ऐसे दौर में जहां लोग कहते हैं कि नफरत की राजनीति होती है। और तेजस्वी यादव ने रोजगार को लेकर के एक लकीर खींची और कहा कि इसी लकीर पर बिहार में राजनीति होगी। लाखों यादव आरजेडी के सीनियर नेता, तो बड़ी संख्या जमा हुई आप लोगों ने लिया है भाई, नेता अभी आ रहे हैं और जहां जा रहे हैं वहां भीड़ ज्यादा जमा हो रही है। सबसे पहले तो इस चैनल के माध्यम से हम पूरे बिहारवासी को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस ठंडा के समय में भी जिधर से हमारे नेता तेजस्वी जी गुजर रहे हैं, लाखों लाख की भीड़ रोड में इकट्ठा है। और ये हमारे नेता का ये 17 महीने के जो कार्यकाल में जो ये नौकरी कैंप लगा करके बांटने का काम किया वो उसका देन है। और आने वाले अभी लोकसभा में हम 40 में 40 सीट हम जीतने जा रहे हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि इस रात के 10:30-11 बज रहा है, उसके बाद भी रोड पर जगह जगह हजारों की संख्या में लोग एकत्रित है। सवाल ये कि आप लोग 25 का टारगेट लिए हुए कि मुख्यमंत्री बना ही देना है? निश्चित रूप से वो हमारे मुख्यमंत्री भावी मुख्यमंत्री हैं, और 2025 में वो कोई भी ताकत हिंदुस्तान को उसको मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकता है। बीजेपी वाला नीतीश कुमार कहते हैं कि हम ऐसा भी नीतीश कुमार रहेंगे, वो तो 24 में ही पता चल जाएगा कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। क्या जी, तेजस्वी जी को देखने आए युवा जी, हैं आप? जी जी बिल्कुल, लगता है कि बस रोजगार और युवा की बात हम इसे जगह बना रहे हैं। हम लोग के हीरो हैं। किसके साथ आए आप? हम लाखों भैया के साथ आए हैं। क्या जी, तेजस्वी जी को देखने आए हैं? आए हैं। दीवानगी है रात में भी? एकदम पूरा दीवानगी है। श्री मदन यादव जी, मेरे माननीय श्री तेजस्वी यादव जी ने, जिन्होंने 17 साल में नीतीश कुमार जी काम नहीं कर पाए, वो माननीय श्री तेजस्वी यादव ने काम किया। हमारे बिहार का युवा, हम सब साथ हैं उनकी, उनको बीजेपी वाले को 24 में उसको औकात दिखा देंगे। ये हमारे बिहार का शान है। माननीय श्री तेजस्वी यादव जी, माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, बिहार का जनता माननीय श्री राजद जी का साथ है, तेजस्वी जी का साथ है। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत। जी जी, तेजस्वी यादव पसंद है और वो बिहार का लायक है, वो मुख्यमंत्री बनने का लायक है। और हम लोग चाहेंगे कि जो 2024 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए। क्या 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 नेता को? जी तेजस्वी यादव देखने आए हैं, पूरा भरोसा है। हमारे युवा तेजस्वी यादव हैं और हमारे कटिहार के युवा नेता लाखों यादव हैं, जो कि हम लोग को बहुत उम्मीद है। अच्छा, और हम लोग तमाम आदमी तेजस्वी जी के साथ है। यहाँ की जनता 24 में नहीं 25 में नहीं, कल बन जाए मुख्यमंत्री बिहार का तेजस्वी यादव। यहाँ की जनता यही चाहती है, जल्दी से पलटू राम को हटाओ, तेजस्वी को लाओ। सर हम ये कहने चाह रहे हैं कि माननीय बीजेपी वाले ने जी, हमारे जी हमारे भी युवा हैं, हर जगह हमारा युवा का ही चेहरा चाहिए। बीजेपी धोखेबाज चेहरा नहीं चाहिए। मध्यावर्ती चुनाव कर ले बीजेपी तो समझ में आ जाएगा कि बिहार में किसकी सरकार। कितना पढ़े लिखे, बड़ा राजनीति का ज्ञान है आपको। सर बहुत पढ़े लिखे नहीं है, बाकी हम लोकतंत्र का, लोकतंत्र का अधिकार जो है वो हमसे कोई नहीं छीन सकता है, हम ले सकते हैं, ये हमारी पावर है। यादव जो है रोजगार को लेकर के लोगों के दिलों में जगह बना चुके हैं। राजनीति में परिवर्तन बहुत बड़ा हुआ है कि लोग एक नेता को देखने के लिए घर से निकल के सड़क पर। सर मैं मीडिया का माध्यम धन्यवाद देना चाहता हूँ, हमें बहुत दिन बोलने की मौका मिला। बीजेपी वाले माननीय श्री तेजस्वी यादव नाम से नहीं पहचान है, उसकी काम से पहचान है। 17 महीना उसकी काम से पहचान है। भीड़ लेकर के आप आए हैं, नेता तो गदगद है आप लोग से। आप यहाँ पर हैं तो आप देख रहे हैं, ये हमारे नेता तेजस्वी जी का जलवा है, और वो भी युवा हैं और हम भी युवा हैं, सब युवा हैं। हाँ सब युवा हैं, और युवाओं का धड़कन जो है तेजस्वी जी, अभी केवल बिहार के ही नहीं पूरे देश में। हाँ ये जो अभी नौकरी है 17 महीना में बांटे हैं, ये एक चर्चा का विषय है, जो कि दूसरे स्टेट से भी लोग आकर के यहाँ पर नौकरी लेने का काम किया है। आरजेडी के नेता लाखों यादव और उनके समर्थक हैं, वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के लाखों नहीं करोड़ों समर्थक हैं, और वो
उसी वजह से बिहार नहीं पूरे भारत में तेजस्वी को लेकर के विश्वास जगा और ये यकीन उन्होंने इसलिए जगाया क्योंकि नौकरी की जो रोजगार देने की एक बात उन्होंने की थी। मुख्यमंत्री ना होने के बाद भी मुख्यमंत्री रहते हुए 17 महीने में 17 साल के बराबर या उससे भी ज्यादा काम उन्होंने किया, जिसकी वजह से विश्वास लोगों में जगह। न धर्म देखता है, न जात देखता है, न इलाका देख रहा है, वो सिर्फ देख रहा है तेजस्वी यादव को। इसलिए अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो लोगों को रोजगार मिलेगा, युवाओं का भविष्य सुनहरा होगा और बिहार में खुशहाली और अमन होगी। उनके नेता लगातार ये कह रहे हैं 22 के बाद 23वें जिले में तेजस्वी प्रसाद यादव का प्रवेश होगा और लगातार कटिहार के बाद भी आपको नजारा यही आएगा कि लोग खड़े हैं तेजस्वी के इंतजार में, सलाम कर रहे हैं, आदाब कर रहे हैं, इस्तकबाल कर रहे हैं। नेता और पार्टी दोनों खुश है कि लोकतंत्र में नेता सबसे लोकप्रिय होता जा रहा है।